नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर दिया बड़ा बयान, कहा आगे आने वाली अन्य सूचियों में कट सकती है कुछ और विधायकों की टिकट। साउथ अफ्रीका के डरबन में 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित ब्रिक्स टेनिस टूर्नामेंट में शामिल होने भारतीय टीम के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा दिल्ली हुए रवाना। श्री होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विश्व स्तरीय टेनिस एकेडमी बनाने जताया आभार। और सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद पहुँचे महामाया मंदिर, माता की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली का मांगा आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस की पहली सूची से कई विधायकों की टिकट काटे जाने पर कहा कि अगली सूची में भी इसी तरह कई मौजूदा विधायकों की टिकट कट सकती है। श्री साहू ने कहा कि कमेटी ये निर्णय लेती है कि टिकट किसे दी जाए। हमारी सीईसी स्क्रीन कमेटी और राज्य चुनाव समिति अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर टिकट रद्द करती है और नए लोगों को भी उम्मीदवार बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में अन्य सूचियों में ये संभव है कि कुछ और कांग्रेस विधायकों की टिकट कट जाए। समिति निर्णय करती है गुण दोष के आधार पर, सर्वे के आधार पर, और जो हमारा सीसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उसके जो मेंबर हैं उनके पास जो जानकारियां रहती हैं उसके आधार पे वो टिकट काटते हैं, और नए लोगों को भी उनके परिस्थिति गुण दोष के आधार पर, सर्वे के आधार पर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। तो आगे भी ये संभव है, हो सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोरमी से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव ने कांग्रेस की पहली लिस्ट पर चुटकी लेते हुए कहा कि तारीख तारीख पर तारीख देने वालों ने ले देकर एक तिहाई खिलाड़ी मैदान में उतारने तैयार किए हैं। 8 विधायकों की टिकट काटनी पड़ गई, इसे समझ में आता है कि कितना खौफ है। भूपेश बघेल ने अपनी भ्रष्टाचारी सरकार का ठिकरा विधायकों पर फोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी कर अपने आप को सनातन प्रेमी होने का जो ढोंग कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार सनातन और सनातन प्रेमियों से घृणा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है, चाहे अभी कबीरधाम में 3 शिवलिंग का गायब होने का मामला हो, पार्वती मैया के साथ अभद्रता का मामला हो, चाहे वो कबीरधाम बीरनपुर की घटनाएं हो, मोहला मानपुर की घटनाएं हो, बीरनपुर मामले में जो न्यायालय का फैसला आया, ये सब बताता है कि सनातन प्रेमियों और सनातन से कांग्रेस पार्टी हमेशा घृणा किया है। और अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 8 अपने विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है, ये बताता है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और उसका ठीकरा विधायकों पर भूपेश बघेल जी फोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर ये बता दिया है कि वे भ्रष्टाचार आगे भी करना चाहेंगे, पर जनता तैयार है इनसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद नवरात्र के पहले दिन कुम्हारी स्थित महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, तो वहीं कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। उनमें से एक नाम है भूपेश बघेल का, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर पाटन विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम भूपेश बघेल अब अपने भतीजे विजय बघेल को चुनावी मैदान में टक्कर देंगे। सीएम भूपेश बघेल की नाम की घोषणा होने के बाद भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां महामाया की पूजा अर्चना की। इसके बाद हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे एक बार फिर भरोसा जताया है
और मैं उस पर खरा उतरूंगा। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 पार सीट लेकर आएगी। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन और पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लोग जगराता भी करते हैं, माता रानी की सेवा भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में अखंड ज्योत और जमारा भी बोने की परंपरा, तो सभी जगह जो जलाया जा रहा है सेवक सभी जगह दिन भर सेवा करेंगे माता रानी की। तो ये शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और आज ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है और सभी सीट हमारे जीतने योग्य। पितृपक्ष में जारी नहीं करना था, ये सब लोगों ने तय किया था और नवरात्रि के पहले दिन ये जारी हुआ। आपका भी नाम पाटन से आया है जी। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि दूसरे सीट खोज रहे हैं, उन सब का मुंह बंद हो गया। पाटन ने हमेशा, यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस समय भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद समर्थन। देखिए, जहाँ तक पाटन की बात है, पाटन पिछले समय प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा था, तब सभी कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़े थे। उस समय भी मैंने नामांकन भरा और पूरी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। इस समय कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, सभी लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना किसी भी प्रत्याशी बनाए उसे मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन ये है कि मुझे पाटन के मतदाता पर, पाटन के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, इस समय तो 75 पार है। सीएम साहब, 7 विधायकों का टिकट भी काट दिया गया है, ये तो पार्टी तय करती है। पार्टी के राय शुमारी भी होती है और सर्वे भी कराया जाता है, और उस आधार पे नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो पार्टी ने इसमें 8 लोगों की टिकट बदली है। चुनौती के रूप में 9 साल बेमिसाल या फिर 15 साल 9 साल होने देखा। रमन सिंह के 15 साल के शासन को लोग भूले नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि लड़ाई तो राज्य की है, और रमन सिंह, फिर कितना भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि रमन सिंह कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जो टिकट बटा तो रमन सिंह ही नहीं बांटा है। और रमन सिंह के बांटने का मतलब ये है कि अमन सिंह है उसके पीछे, और अमन सिंह है मतलब उसके पीछे अडानी है, और अडानी फिर विश्वगुरु। तो ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की निगाह नहीं बल्कि अडानी की निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर है। कई लोग असंतुष्ट जारी हो जाएगी, दूसरी बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। कई लोग असंतुष्ट भी है टिकट बंटवारे। भाई, टिकट नहीं मिलने से निश्चित रूप से लोगों में थोड़ी सी नाखुशी होती है, लेकिन सब साथी हैं, हमारे साथी हैं, सबको मना लेंगे। पार्टी में उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी, सरकार में आएंगे तो पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी टिकट कट गई इसका मतलब ये थोड़ी कि दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। हमारी पार्टी में सबको स्थान मिलता है। दूसरी सूची में भी जो है क्या कुछ? एक तरफ जहां बीजेपी ने 90 सीटों में से 85 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने शुभ मुहूर्त देखकर पितृपक्ष के बाद नवरात्रि के पहले दिन 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें लगभग सभी मंत्री हैं। आने वाले समय में कांकेर और 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी, वहीं बीजेपी 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। इसके बाद ही जनता तय करेगी कि इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा उनका विधायक। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी बनते ही गिरीश देवांगन ने एक बयान देते हुए खुद को भगवान राम की तरह बताया है। गिरीश देवांगन ने कहा कि जैसे भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, वैसे ही राजनांदगांव का भांजा राम मैं हूँ। दशहरा भी करीब है, उन्होंने नवरात्र की बधाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उनके जन्मदिन की भी बधाई दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को उजागर किया। गिरीश देवांगन ने यह बयान रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ उतारा है
उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए मैं पार्टी के हाईकमान के और सभी नेताओं के आभारी हूं और उनके आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग अवश्य ही राजनांदगांव में 15 साल के मुख्यमंत्री को हराएंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं पेशे से विशुद्ध किसान हूं, खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और पार्टी में ब्लॉक स्तर से लेकर युवक कांग्रेस से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो भी जवाबदारी सौंपी है उसका निर्वहन किया हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता की पहचान कांग्रेस पार्टी ने की है। ये चुनाव उस डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ है जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ लगातार धोखा ही किया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी किसान आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन इनके 15 साल के छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी नीतियों के चलते हजारों किसानों ने आत्महत्या की। इन्होंने 2008, 2013 के चुनाव में किसानों को 2100 रुपया धान की कीमत, 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं किया। ये इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी 2018 में जब 2500 रुपया माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार जब किसानों को देने जा रही थी तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम यदि किसी ने किया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और बराबर के हिस्सेदार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रहे हैं, जो इनका किसानों के प्रति रवैया प्रदर्शित करता है। यह चुनाव पूर्व रमन सिंह के खिलाफ है जिनके शासनकाल में नसबंदी कांड। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चनापट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां।
तो देर किस बात की है। आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुंचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो सूर्या मॉल के सामने जुनवानी रोड स्मृति नगर भिलाई। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्तरोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियाँ, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्तरोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-111-777-30-777-222। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 12। आप सबका स्वागत है। नवरात्र के पावन अवसर पर दुर्ग वार्ड 12 पार्षद की पहल से वार्ड में रखे जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं को एक साथ एक ही दिन लाने प्रयास किया गया, साथ ही बड़े ही सादगी के साथ विसर्जन भी किए जाने की बात कही। नवरात्र के पावन अवसर पर शहर भर में गाजे बाजे के साथ दुर्गा प्रतिमाओं को लाने के साथ जगह जगह रखने का रिवाज चला आता रहा है। इसे देखते हुए वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद ने एक नई पहल करते हुए वार्ड में लाए जाने वाली सभी प्रतिमाओं को एक साथ एक ही दिन लाने का निर्णय लिया, जिसके बाद सभी वार्डवासी और महिलाएं सच धज कर पारंपरिक वेशभूषा नजर आई। इस दौरान सभी महिलाएं लाल रंग की वेशभूषा में एक साथ माता रानी की खुशियां मनाते गाजे बाजे की धुन पर थिरकती नजर आई। इसके साथ ही लिए गए निर्णय में विसर्जन के दिन सभी प्रतिमाओं को एक साथ सादगी के साथ विसर्जन किए जाने की बात कही गई। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्गवासियों को, शहरवासियों को, वार्डवासियों को माता रानी के इस हर्षोल्लास त्यौहार की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। इस वर्ष हम लोग वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम के सारी मंडलियों ने यह तय किया है कि हम हर वर्ष अब माता रानी के आगमन पे और गणपति बप्पा जी के आगमन पे हर्षोल्लास और जोश रहेगा। वैसे ही विसर्जन के समय हम शांत माहौल पे लेके जाएंगे। इससे आज जो आचार संहिता लगा है इसका पालन भी होगा और वार्ड नंबर 12 की सारी प्रतिमाएं एक साथ, हर वर्ष सारी प्रतिमाएं एक साथ जाएगी, ऐसा हमने इस वर्ष अपने वार्ड नंबर 12 की सारी मंडलियों से बात करके यह तय किया है कि अब हम लोग पूरे वार्ड को, वार्ड के जितने भी युवा हैं और युतियाँ हैं, उनको माले के एक सिरे से एक सारी मोतियों को जोड़ने का पहल किया है। जय माता दी, जय माता दी। पीछे अपन जो माता ला रहे हैं, अपन बहुत ही अच्छा पहल किया है अंकल हमारे पार्षद जी, और ऐसा हमेशा ही होते आना चाहिए। सारे दुर्ग में, प्रदेश में ऐसे ही होते आना चाहिए। अंकल ने बहुत ही अच्छा सोचा है हमारे पूरे, मतलब पूरे वार्ड नंबर 12 में हम अपने पूरे माता की मूर्तियों को एक साथ झांकी के साथ लेके आ रहे हैं। ऐसा हम अपने वार्ड में पहले बार हमको ऐसा देखने को मिला है। जो हमारे अजीत वैद अंकल की वजह से हम लोग इतना सारे
बहुत उत्साह से इसको हम लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत। और माता विसर्जन के समय माता की विदाई हम सेवा से या फिर ऐसे ढोल वोल से ही करेंगे माता की विदाई। हम अपने माता जी को अभी लाने जा रहे हैं और हमने बहुत से धुमाल डीजे वगैरह लगे हुए हैं और फिर अब हम देखिए फिर जय माता दी। जो कि इस वर्ष हम सभी लोगों ने मिलकर सोचा है कि हर वर्ष की तरह अलग अलग लाते थे, इस वर्ष नई पहल कर सभी लोग मिलकर एक साथ ला रहे हैं ताकि माता को लाने के समय सभी उत्साह पूर्वक रहे और ले जाते समय विराज माता का है थोड़ा दुख हो जाती है तो उसके कारण हम सब भी शोक में रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने लाने के समय ही कुछ अच्छा पहल सोचा है। मेरे सब पब्लिक बहने हैं और मैं माता रानी के पर्व पे सबको लाख लाख बधाई देना चाहती हूँ। माता रानी है तो ये दुनिया है, वरना ये दुनिया कुछ भी नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। वार्ड नंबर 12 अतिथि पांडे और मैं सभी हम परिवार मिल के माता रानी का उत्सव मना रहे हैं। आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मेरी यही आपसे दुआएं हैं, कामनाएं हैं, आपका आशीर्वाद सभी दें और बढ़ चढ़ के माता रानी का हिस्सा पर्व कर दे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अग्रसेन जयंती के अवसर पर रविवार को श्री अग्रसेन सेवा समिति हाउसिंग बोर्ड द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाउसिंग बोर्ड हनुमान मंदिर परिसर से निकली शोभा यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होती हुए आम्रपाली वनांचल सिटी पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को श्री अग्रसेन सेवा समिति हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हाउसिंग बोर्ड स्थित हनुमान मंदिर परिसर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री अग्रसेन सेवा समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। हनुमान मंदिर परिसर से निकली शोभा यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर आम्रपाली परिसर पहुंची, यहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। आम्रपाली परिसर में श्री अग्रसेन जी की आरती और भव्य पूजा अर्चना सम्पन्न हुई। शोभा यात्रा की जानकारी श्री अग्रसेन सेवा समिति हाउसिंग बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महिला समिति के अध्यक्ष बबीता अग्रवाल, समिति के महासचिव राकेश अग्रवाल और दिनेश लोहिया ने दी। अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र भिलाई की ओर से हर साल की तरह इस साल भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हनुमान मंदिर हाउसिंग बोर्ड से चलकर नगर भ्रमण करते हुए आम्रपाली सोसाइटी में पहुँचेगी। वहाँ पर आम्रपाली में सभी अग्रबंधु हार्दिक स्वागत करेंगे एवं वहाँ पर भ्रमण के पश्चात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अग्रबंधुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र ये क्षेत्रीय इकाई है अग्रवाल समाज की, इसी तरह हमारी मतलब जिला स्तर की इकाई सेक्टर से अग्रसेन बहुत ही जो जिसकी शोभा यात्रा कल भव्य रूप में जिला स्तर पर जो है निकाली गई थी और तत्पश्चात हर वर्ष की भांति दूसरे दिन जो है अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र की जो शोभा यात्रा है हाउसिंग बोर्ड हनुमान मंदिर चौक से होते हुए पूरे हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर को भ्रमण करते हुए आम्रपाली सोसाइटी को पहुंचती है और वहां पर आम्रपाली सोसाइटी के अग्रबंधुओं द्वारा जो है समिति का भव्य स्वागत करते हुए अग्रसेन सेवा समिति स्वागत करती है और आरती पूजा करती है अग्रसेन भगवान अग्रसेन भगवान की जय। अग्रसेन सेवा समिति औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से आज नगर भ्रमण के लिए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। अग्रसेन जी का एक ही नारा एक ही देख रुपया। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सभी नगरवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय अग्रसेन महाराज, जय माता माती। मैं महिला समिति भिलाई औद्योगिक क्षेत्र की अध्यक्ष बबीता अग्रवाल आप सबको अभिनंदन करती हूँ। हम लोग हमेशा हर साल हनुमान मंदिर परिसर से भगवान अग्रसेन की शोभा यात्रा निकालते हैं और पूरे हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भ्रमण करते हुए और समापन इसका आम्रपाली सोसाइटी में किया जाता है। वहाँ के अग्रबंधुओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। हमारे सभी अग्रबंधुओं की इस सराहनीय सहयोग के कारण ही आज हमारा अग्रवाल समाज बहुत ही आगे है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ जय अग्रसेन महाराज। बहरहाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने वाले विधायक प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए अपने क्षेत्र के निगम से NOC प्राप्त करना होगा, तभी वह अपना नामांकन चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। 8 अक्टूबर से पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और 10 तारीख से ही निगम भिलाई के जनगणना शाखा में भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा से विधायक के लिए लड़ने वाले प्रत्याशियों को NOC देने के लिए काउंटर खोले गए हैं और यह सेवाएं अनवरत चलते रहे, इसलिए रविवार के दिन भी जनगणना शाखा में यह काम जारी रहा। नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व निरीक्षक जय कुमार जैन, जो कि नगर पालिक निगम भिलाई की तरफ से विधानसभा चुनाव के नोडल अधिकारी भी हैं, उन्होंने बताया कि अब तक 3 विधायक प्रत्याशी को NOC जारी किया जा चुका है। यहाँ से अपन NOC जारी कर रहे हैं, अभी 3 जन की NOC जारी किया है, 3 प्रत्याशी की, और NOC के लिए हम आज संडे के दिन भी सब ऑफिस में बैठे हैं। हम लोग बकाया देखना पड़ता है ना, उनका बकाया है कि कुछ निगम से कुछ उनका बकाया तो नहीं, टैक्स जल कर वगैरह कुछ चेक कर देते, NOC देते हैं अपन, निर्वाचन आयोग का आदेश है, अब ऐसा तो नहीं मिलेगी, NOC जरूरी है। फिलहाल नगर पालिक निगम भिलाई में अभी से अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरी तैयारियां करके कमर कस ली हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। निगम प्रशासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाए गए थे जो अब उखड़ने लगे हैं। वहीं पेवर ब्लॉक लगाने खुदाई के दौरान बीच में आए विद्युत पोल को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। आवागमन सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। इसी के तहत कैलाश नगर में भी पेवर ब्लॉक लगाए गए थे जो अब उखड़ने लगे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। पेवर ब्लॉक उखड़ने से दुकानों में आना जाना कर रहे लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। इसकी वजह से जिन स्थानों में पेवर ब्लॉक उखड़े हैं वहां फिर से पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य शुरू किया गया है। वहीं कैलाश नगर रोड में दुकानों के सामने पेवर ब्लॉक लगाने गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे दुकानदारों सहित दुकानों में आना जाना कर रहे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। पेवर ब्लॉक लगाने खुदाई के दौरान बीच में आए विद्युत पोल को भी अनियंत्रित शिफ्ट नहीं किया गया है। विद्युत पोल को शिफ्ट नहीं किए जाने से पेवर ब्लॉक लगाने को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुख्य रोड है, हाउसिंग बोर्ड का कनेक्ट करती है कालीबाड़ी के आगे से, और ये रोड जो है एकता चौक तक जाती है। जो पूरी रोड तो अभी सही दिख रही है, मगर जो बगल में जो इनका निर्माण है ये पेवर ब्लॉक का, वो सब उखड़ जा रहा है। जो नीचे इनका बेस भी नहीं किया गया है सही तरीके से, मुरम या मिट्टी भरना था वो भी नहीं भरा गया है, और सब जो हमारे निगम के इंजीनियर हैं उसकी जांच सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आज ये रोड जो है यहाँ गौरव पथ के नाम से जानी जा रही है, गौरव पथ से ये कनेक्ट हो रही है, जिसमें हेवी व्हीकल भी चलेंगे और लाइट व्हीकल भी चलेंगे। तो हमें ऐसी रोड चाहिए जो सालों साल चले, और इस रोड का ये हाल है। अभी आपने देखा है कि उन रोडों का क्या हाल है, बगल में गाड़ी कोई उतारता है तो धस जा रही है रोड अभी से। तो ये हाल है, हमारे जो लोग भी इसका निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी बात ये है कि अगर ये रोड को बनाया जा रहा है, इसका निर्माण अच्छे से किया जाए, और गुणवत्ताहीन जो लोग काम कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और नया टेंडर जारी किया जाए। ये जो रोड बनी हुई है यहाँ पर जो टाइप लगा रहे हैं, टाइप तो पहली बात जो है 80 mm पर लगना चाहिए, इन्होंने उसका गुणवत्ता विहीन लगाया हुआ है, जिसका वो बैठ जा रही है। और बीच रोड पर आप देखिए पोल लगे हुए हैं, पोल पूरे हैं, इसके ऊपर रोड बने। रात बिरात अगर कोई इस पर टकराए और एक्सीडेंट हुआ, इसका जवाबदार कौन होगा? अगर इनको यहाँ पर टाइप लगाना था या रोड बनाई थी, पहले इन खंभे को कहीं पर जो है उसको व्यवस्थित करना चाहिए था, उसके बाद इसको लगाना चाहिए था। एक आप कमीशन खोरी का खेल है, इन रोडों पे जहाँ पे हैवी व्हीकल चलते हैं उन रोडों पर टाइप लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। EPWD के रूल के हिसाब से यहाँ पर टाइप लगना ही नहीं चाहिए। अगर टाइप लग भी रहा है तो रोड से 6 इंच ऊपर होना चाहिए, जो कि ये 6 इंच ऊपर की बजाय 1.5 इंच नीचे लगा हुआ है। इससे जो है स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो है गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है, भ्रष्टाचार जोरों पे है, सब 18% 20% कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, और इंजीनियर आता है पता नहीं क्या चेक करता है।
हम तो आज तक यही सोच रहे कैसा इंजीनियर है वो, जो कि आता है सब देख के चले जाता है, उसको कोई कमियां दिखती ही नहीं। नगर निगम द्वारा अन्य क्षेत्रों में लगाए गए पेवर ब्लॉक के उखड़ने की बातें भी लगातार सामने आई हैं। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कार्यों के मॉनिटरिंग नहीं किए जाने की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वे जीत कर ही आएंगे। पार्टी ने एक एक सीट पर मंथन कर गहराई से विचार करने के बाद ही सूची जारी किया है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। पार्टी का निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। आज नवरात्र का पहला दिन है और शुभ दिन में सही समय में हम लोग पहला सूची जारी हुआ। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको भी प्रत्याशी बनाया वो जीत कर आएंगे। देखिए तो पार्टी का निर्णय है, एक एक सीट पे पार्टी ने मंथन किया, एक एक सीट पे पार्टी ने गहराई से विचार करने के बाद आज सूची घोषित हुआ है। अगर पार्टी ने निर्णय लिया सोच समझ कर लिया है तो पार्टी का निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य। देखिए बस्तर की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सूचियों की बात करें, जो प्रत्याशी हारे हुए हैं जनता ने नकार दिया उनको टिकट दिया, और हमारे पास कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, दोनों का मिक्सिंग है। इसलिए हमारा पहला चरण का सूची 20 जो पहला चरण का सूची के साथ बाकी नाम भी आया है और 20 जो सीटों पर चुनाव होना है, 72 टिकट वितरण हुआ है, 20 का 20 सीट हम लोग जीत के आएंगे। पार्टी ने आदेश किया चुनाव लड़ने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में नामांकन भरेंगे, फिर कार्यकर्ता और जनता ही चित्रकूट विधानसभा में काम करेगी। चित्रकूट विधानसभा की जनता के साथ, मतदाताओं के साथ हमारा पारिवारिक और बहुत गहरा संबंध है। अगर मैं वहां प्रचार ना भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में इस समय ऐतिहासिक वोटों से जीत के आएंगे। इसके अलावा हमको बाकी विधानसभाओं में प्रचार में भी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा होगा। 20 का 20 सीट में प्रचार करेंगे और पूरे 90 सीटों में प्रचार करेंगे। राजनांदगांव भी हाई प्रोफाइल सीट है। अगर पार्टी ने निर्णय हुआ है तो सोच समझ के निर्णय हुआ है। पार्टी का जो निर्णय वो सबके लिए सर्वोपरि। देखिए हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो 90 सीट में कहीं भी चुनाव लड़ लें वो जीत जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं तो समझता हूँ उनके सामने सेंट्रल नेतृत्व भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वहाँ पे भी ऐतिहासिक लीडरों के साथ चुनाव जीतेंगे। आने वाला सूची में महिलाओं को प्राथमिकता अभी सूची में भी है, आने वाला सूची में भी मिलेगा। जो हाँ जो सीट से जीत सकता है उनको लाभ मिलेगा। 7 साल के हार्दिक शर्मा ने दिल्ली में आयोजित 5000 मीटर की एथलीट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में 7 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बालक शामिल हुए थे। शक्ति के डबरा निवासी 7 वर्षीय हार्दिक शर्मा ने दिल्ली में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। हार्दिक शर्मा 5 किलोमीटर की दौड़ में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 7 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल हुए थे। हार्दिक ने 25 मिनट 10 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया। दिल्ली में NSDF नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन सम्पन्न हुआ था जिसमें हार्दिक शर्मा शामिल हुए थे। हार्दिक के माता पिता ने बताया कि शुरू से ही हार्दिक की रुचि एथलीट में रही है। खेलकूद के साथ पढ़ाई में भी हार्दिक अव्वल स्थान पर है। भिलाई के न्यू खुर्सीपार निवासी हार्दिक के नाना महेंद्र शर्मा ने अपने नाती की इस उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भाजपा ने अपने प्रत्याशी गजेंद्र यादव का चुनाव शंखनाद करते हुए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी से दुर्ग शहर विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हुए नवरात्र के पहले दिन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर मीडिया के बीच अपनी प्रमुख बातें रखी। बता दें कि भाजपा दुर्ग शहर प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार की रीति नीति पर निशाना लगाते हुए शहर में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं शहर की जनता को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ा ये भी बताया। इसके साथ ही अभी तक कांग्रेस के द्वारा घोषित नहीं किए प्रत्याशी अरुण वोरा पर परिवार का आरोप लगाते हुए जनता के बीच अपना वोट मांग जनसंपर्क किए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि शहर की जनता का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी बात कही। अब शहर कोष कांग्रेस विधायक से मुक्ति दिलाने शहर की जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है।
साथ ही कहा कि दुर्ग में कांग्रेस को तोड़ने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता पुरजोशी से कार्य करेंगे। इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी। भक्ति एवं शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर्व के एकम के आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको जगत जननी माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद हम सबको मिले, दुर्ग शहरवासियों को मिले, छत्तीसगढ़ की जनता को मिले और सबके कल्याण का कार्य हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हमारा सबसे बड़ा त्यौहार भक्ति और शक्ति की आराधना करते हैं उसका आज एकम में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन थोड़ी देर में हम करने वाले हैं और आज ही के दिन से हम अपनी चुनाव कार्य पद्धति को प्रारंभ करेंगे। गजेंद्र यादव एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जनता स्थानीय विधायक और कांग्रेस सरकार से उब गई है। एक ही परिवार का पिछले 53 साल से कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। कांग्रेसियों के मन में भी है कि एक बार बदलाव की आवश्यकता है, एक नया चेहरा की आवश्यकता है और पूरे शहर में जो भारी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, नशाखोरी, चोरी, डकैती, इसके खिलाफ हम सब चुनाव लड़ने वाले हैं। फुटबाजी नहीं है, चुनाव पहले तक हर कार्यकर्ता अपने अपने टिकट मांगता है तथा, लेकिन मुझे कहीं ऐसा दिखता नहीं है। सबका प्रेम मिल रहा है, सबका स्नेह मिल रहा है। पूरा यादव, साहू, देवांगन, कुर्मी, सतनामी, पूरत, जैन, व्यापारी, बहुत सारे समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रत्याशी है, है आगे बोलिए। बात नहीं है, स्थानीय चुनाव, छोटा चुनाव अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। सिर्फ कागजों में विकास है, समाचार में ही विकास है, पोस्टरों में विकास है। पूरे किसी भी वार्ड में कहीं कोई काम नहीं है, घोषणा भर हुआ है। एक वार्ड में विधायक जी एक एक समाज को 20-20, 40-40 लाख की घोषणा की है। कहीं किसी समाज को कोई पैसा सामाजिक भवन नहीं दिया गया। पूरे विधानसभा में 4 करोड़ की विधायक निधि आती है और 24 करोड़ से ज़्यादा का प्रस्ताव हर बार दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी जो विधायक निधि पैसा बांटने वाले अधिकारी आज तक कंफ्यूजन में है कि विधायक 24 करोड़ का जो पत्र दिए हैं हम किसको पूरा करें और किसको ना करें। पता नहीं करूँगा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, 12 मोहल्ला में रहने वाला हूँ, मैं लोगों की समस्या जानता हूँ, मुझे किसी की समस्या बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की बात मैं जानता हूँ, लोगों की क्या आवश्यकता है और बेवजह अपन घोषणा कभी नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा जो दुर्ग 125 साल बन गया, दुर्ग का एक ऐतिहासिक महत्व है। आज वो महत्व कहीं ना कहीं कुछ कमी से घट रहा है। वापस हम पुराने दुर्ग को अपने पुराने क्षेत्र में पुनरुद्धार करें। फॉर एग्जांपल, एक समय में जब मध्य प्रदेश का मैं पार्षद, उस समय जब पार्षद था तो तत्कालीन कलेक्टर साहब का कहना था कि इंदौर के बाद सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम है तो वो हमारा दुर्ग का स्टेडियम है। आप सब जानते हैं जब मैं 11वीं कक्षा का छात्र था तो सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री जी यहाँ क्रिकेट खेलने आए हुए थे, टूर्नामेंट खेलने आए थे। आज वो स्टेडियम की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ के खिलाड़ी बच्चों के लिए हम एक बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों की प्रतिभा आगे बढ़ सके। पार्किंग की व्यवस्था बहुत समस्या है जिसके कारण हमारा बाजार आज सिमटते जा रहा है, लोग अन्यत्र जगह जा रहे हैं। पार्किंग समस्या को हम दुरुस्त करेंगे और लोगों की मांग के अनुसार हम काम करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के डिबरापारा निवासी प्रार्थी आबिद कुरैशी की भेड़ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए रुवाबांधा और कैंप 2 से 3 आरोपियों को धर दबोचा है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी आबिद कुरैशी डिबरापारा निवासी ने अपनी भेड़ चोरी होने की सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान उसने बताया कि किसी अज्ञात वाहन C07MB 2014 में आकर एक भेड़ करीब 18 माह ऊंचाई 3 फीट रंग काला को लेकर फरार हो गया, जिसकी लगभग 25,000 रुपए कीमत बताई गई, जिसको लेकर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए पतासाजी करते हुए भेड़ चोर लल्लू खान को रुआ बांधा से पकड़ा। इसके बाद खरीदी किए गए 2 आरोपी सलमान और शाहरुख खान दोनों सगे भाई को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कोतवाली पुलिस 3 आरोपियों पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने प्रतिक्रिया दी। ये डिपरापारा निवासी है आबिद कुरैशी करके, ये अपने अपने यहाँ थाने में आया हुआ था कि उसकी एक भेड़ है जिसको कोई आदमी जो है
दोपहर के करीबन 12:30-1 बजे के बीच में चोरी कर लिया गया करके। वो बताया कि वो उनके पिताजी जो है उसको चराने के लिए कहीं गए थे, 5-6 भेड़ और था, तो उसको एक गाड़ी वाला जो इंडिका गाड़ी में था और उसको लेकर चले गए, उसको चोरी करके ले गया करके। बाद में वो उसके जब इन्होंने CCTV फुटेज चेक करवाया तो उस गाड़ी का नंबर भी मिला। नंबर मिलने के बाद में ये लोग मेरे पास में रात्रि 12:30 बजे आए थे। 12:30 बजे आकर बताया कि बोले सर एक नब्बू नाम का आदमी है जिसके पास ये गाड़ी है करके, और अभी वो रुआ बांधा भिलाई में खड़ी हुई है करके। इस सूचना पर मैं और मेरे जो पेट्रोलिंग स्टाफ था हम लोग वहाँ पर में गए, नब्बू खान के घर गए। नब्बू खान के घर जाने के बाद में काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया तो नब्बू खान दरवाज़ा खोल नहीं रहा था, तो जैसे तैसे पुलिस जो है उसके घर के अंदर घुसी और नब्बू खान जो है काफ़ी बाथरूम के अंदर छिप गया था, वहाँ से निकाले उसको। लेकर जब पूछताछ किए बकरे के संबंध में तो उसने घटना करना स्वीकार किया और बोला कि जो उक्त भेड़ था उस भेड़ को उन्होंने कैंप 2 का जो सलमान खान है नाम का जो आदमी है उसके पास में ले जाके बेचा है करके। जब उसके घर गए, सलमान खान के घर गए, तो वहाँ पर जाने उसका भाई मिला शाहरुख, और सलमान भी मौके पे वहीं पर मिला। तो उसने बताया कि दोनों से ही इनसे संबंध में बकरा बेचने के संबंध में बातचीत हुई थी, और सलमान और शाहरुख को फिर वहाँ से अरेस्ट करने के बाद में थाना लेकर आए, और अभी उसके खिलाफ में चोरी की कार्रवाई हो रही है। इस मामले में कितने लोगों को आरोपी, अभी टोटल 3 लोग इसमें आरोपी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गसेन असीम फारूकी की रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका के डरबन में 21 से 23 अक्टूबर तक होने वाले ब्रिक्स टेनिस टूर्नामेंट में शामिल होने भारतीय टीम के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विश्व स्तरीय टेनिस अकेडमी बनवाने के लिए आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने का प्रयास रहेगा। इस दौरान टेनिस संघ के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर और माला पहनाकर होरा का स्वागत कर उन्हें तिरंगा सौंपा। ब्रिक्स टेनिस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा माना विमानतल से दिल्ली रवाना हुए। इस मौके पर टेनिस संघ के पदाधिकारियों ने मैनेजर होरा का गुलदस्ता देकर और हार पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें तिरंगा भी सौंपा गया। गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विश्व स्तरीय टेनिस अकेडमी बनाकर खिलाड़ियों को तोहफा और उन्हें मैनेजर की जिम्मेदारी दी, इसके लिए वे सभी का आभार जताते हैं। भारतीय टीम मजबूती से प्रदर्शन करेगी, खिलाड़ियों के साथ पदक लेकर लौटेंगे। ब्रिक्स टीम को लेके इंडिया की करीब 100 लोगों का सदस्य दल है और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। अभी हमने टेनिस कोर्ट का उद्घाटन भी किया कुछ दिन पहले, और उसी रूप में मुझे मैनेजर बनाया गया भारत सरकार की ओर से, खेल विभाग की ओर से। मैं टीम लेके जा रहा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वहाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं आपके हाथ में भारत के साथ। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से मैनेजर चुना गया जो सबको साथ लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए मैं पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में टेनिस कोर्ट का यहाँ बहुत बड़ा 22 करोड़ का टेनिस कोर्ट बन गया, और टेनिस की टीम ही लेके मैं जा रहा हूँ। बेसिक टेनिस के लोग मेरे साथ है और बाकी पूरा दल है साथ में। क्या स्वागत लेके आएंगे वहाँ से? ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते और ज्यादा से ज्यादा पदक लेके आए, और क्या। भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर विधानसभा से घोषित प्रत्याशी रिकेश सेन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन नवरात्र के प्रथम दिवस रविवार को सुपेला के गदा चौक में किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में शामिल रहे। विधानसभा वैशाली नगर विधानसभा पाटन विधानसभा का एक हमारा कुछ हिस्सा हमारे यहाँ आता है। किस किस मुद्दे पे लड़ाई? ये चुनाव हम लड़ रहे हैं अपने कार्यक्रम के हिसाब से और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज पौने 5 साल में हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, अनाचार किया है, दुराचार किया है, बेरोजगारों के साथ मजाक किया है, महिलाओं के साथ जिस तरह से अनाचार हो रहा है, सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया जा रहा है, शराब घोटाला हो रहा है, PSC घोटाला हो रहा है, गोल घोटाला हो रहा है, सारे घोटालों की सरकार है ये, और घोटालों का सरदार भूपेश बघेल है। इसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है, और निश्चित रूप से हमारा सारा हमारे कार्यकर्ता हमारे पूरे उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ मैदान में निकल गए हैं और इस 2023 के चुनाव में उसको धूल चटाएंगे। कांग्रेस हारेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से विजयी बनेगी। वो भी तैयारी उसकी हो गई है, आरोप पत्र तो हमारा जारी हो ही गया है। अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, जो पिछले रिकॉर्ड हमारे रहे हैं वो सब ब्रेक। आज उनके जन्मदिन पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो सदायु हों, दीर्घायु हों, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में सर्वोच्च पद में पहुँचे, ये मेरी कामना। आज शुभ मुहूर्त में
माता का पहला दिन है और इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस वैशाली नगर विधानसभा में 242 बूथ आते हैं, 242 बूथ का संचालन यहाँ से होगा। कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा आज के बाद विधिवत यहाँ से कार्यकर्ता 242 बूथ में कैसे काम करना है, क्या करना है, उसकी पूरी योजना बना करके आम जनता के बीच पहुँचेंगे और आम जनता के बीच पहुँच करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से निकल करके बूथ बूथ में जाएगा, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा और पार्टी को विजय श्री दिलाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर सहित पूरे प्रदेश से भारी बहुमत से विजयी रहेगी और खास तौर से भिलाई विधानसभा के हमारी 5 विधानसभा आती हैं, 2 भिलाई और विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के इस चरण में आ चुकी है। वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। अब जो है इस केंद्रीय कार्यालय वैशाली नगर विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय विश्वेश पिछुआ जी ने किया है। अब यहां से संचालन चालू होगा कि प्रत्याशी की भूमिका क्या होगी, उनको किन किन वार्डों में दौरा करना है, सुबह कहाँ जाना है, शाम कहाँ जाना है, कौन से सामाजिक बैठक में जाना है और हमारे कार्यकर्ताओं के मंडल के पदाधिकारियों की, जिला पदाधिकारियों की क्या भूमिका होगी, इस जिले के इस कार्यालय से, केंद्रीय कार्यालय से ये भूमिका तय की जाएगी। यहाँ पे सभी लोग लगभग यहाँ पे हैं, जिले भर के जो पदाधिकारी है, और संतोष वाली कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निर्दलीय नहीं लड़ता, उनको मालूम है कि ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग एक कार्यकर्ता है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।